थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस काम के लायक समझा। एंड डोंट वरी, मैं आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह समझ गया हूँ, पर मैं ये नहीं कर सकता सर। मैं ये नहीं कर सकता मतलब? तो और क्या, हमने आपको यहाँ पे मैनेजर बनने के लिए थोड़ी बुलाया है। मतलब है कि क्यों नहीं कर सकते भाई? सर बात यह है कि मेरी माँ बहुत बीमार है सर, और वो जनरल वार्ड में, और उसकी देखभाल वहाँ ठीक तरह से नहीं हो रही है सर। अरे तू रो क्यों रहा है, मैं हूँ ना। तेरी मम्मी हमारी मम्मी की तरह है बंटू जी। इसकी मम्मी को किसी अच्छे से डिलक्स रूम में शिफ्ट कर दो जी। और सर डॉक्टर ने कहा कि अगर मैं अपनी मम्मी को जल्दी अच्छा देखना चाहता हूँ तो उसे आसपास के किसी हिल स्टेशन ले जाऊँ, जैसे स्विट्जरलैंड। लोना वाला खंडाला भेज देंगे बेटा। स्विट्जरलैंड आसपास का नहीं, बहुत दूर का हिल स्टेशन है सर। दूर तो वो हम जैसों के लिए सर, आप जैसों के लिए तो काफी पास है ना। नहीं नहीं नहीं, तेरी मम्मी हम लोग की मम्मी की तरह है बंटू जी। इन्हें भेज दो जा। किया किया, इस गर्मी ने बिना एसी के मेरी माँ का बहुत बुरा हाल किया है सर। अगर अगर एसी लगाने के लिए कुछ 50-60 लाख का सस्ता सा घर मिल जाता तो। 50-60 लाख का सस्ता सा नहीं होता, बहुत महंगा होता है। महंगा तो इन जैसे लोगों के लिए होता है, तो बिजनेस वालों के लिए तो कुछ नहीं। जी जा। दिया सर, मेरी माँ को बहुत दर्द दिया, उसके कमर दर्द में आयोडेक्स से लेकर मूव तक सब लगाया, लेकिन उसका दर्द मूव नहीं हुआ। और ऊपर से दिल्ली की सड़कें, कब तक सर, कब तक ऑटो के धक्के खाएगी मेरी माँ। माँ कौन सी गाड़ी भेजूं, मर्सिडीज या BMW? मारुति भी चलेगी सर। छोटी नहीं रहेगी तुम्हारे लिए? छोटी हम जैसों के लिए तो बहुत बड़ी है ना सर। हाँ छोटी तो। और सर ऊपर से मेंटेनेंस के लिए 50-60 हजार तो आप बिना मांगे ही दे दोगे। नहीं, हम तुझे धक्के मार के यहाँ से निकाल देंगे, समझा? क्या बंटू बंटू घंटू समझ रखा है क्या? इससे अच्छा तो मैं आ जाता फोटो के अंदर। समझाएंगे ना सर इसे। अरे तू समझ क्यों रहा है? इससे पहले कि मेरे दिल को ठेस पहुंचे, ये सोच ले कि फोटो पे फेस मेरा है। हाँ। मैं अगर उठ के चला गया तो आपकी बीवी आपको देखो 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 देखो, तुमने जो कहा हमने सुना। अब तुम्हें किसी भी तरह से मेरी बीवी को ये यकीन दिलाना है कि डॉली तेरी गर्लफ्रेंड है। यस सर। और किसी भी तरह से तुम्हें ये नहीं भूलना है कि डॉली मेरी गर्लफ्रेंड है। और अगर तुम भूले तो तुम्हारे माँ के डिलक्स रूम के बगल में एक और डिलक्स रूम है, मैं तुम्हें वहां। अरे मेरी बात तो सुनो मम्मी जी, मेरा बेटा पैसे लेके आता ही होगा। अरे थोड़ा रुक तो जाओ, देखो मुझे कहाँ ले जा रहे हो। कहाँ मर गया तू गोवर्धन? 9 महीने तुझे अपने पेट में रखा और तू एक दिन अस्पताल में नहीं रख सका। ए गोवर्धन, ऐसा बेटा देने से अच्छा है तुम मुझे बेऔलाद ही मार देता। भगवान गोवर्धन, तू यहाँ बैठा है और देख इन लोगों ने मुझे वार्ड से बाहर निकाल दिया है। माँ तू अब उस जनरल वार्ड में नहीं बल्कि इस डिलक्स रूम में रहेगी। माँ बिस्किट है, फूल है, माँ फोन भी है, तू जब जी चाहे अपने बेटे से बात कर सकती है। मम्मा 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 तू अब एसी में सोएगी। इस टीवी पर सारे सीरियल्स ही नहीं, उसके रिपीट टेलीकास्ट भी देखेगी, और जब जी चाहे स्टाइल से इस वार्ड बॉय का आवाज लगाएगी। क्या नाम क्या तेरा? सखाराम। हाँ ऐसे बोलेगी, सखाराम इधर आ, सखाराम पानी लेके आ। एमा बोलना कैसे बोलेगी? माँ इस सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, तू बोल के बता ना। सखाराम इधर आओ। जी सखाराम पानी पिलाओ। अभी लाया।